Good morning, class second. Today we will do IT Next Book of Computer, chapter number 3, and name is How Does a Computer Work? Means एक computer है वो कैसे काम करता है. तो चलिए start करते हैं. Page number 21. Input process, output cycle. तो जानते हैं, आगे रीड करते हैं इस चीज़ के बारे में. हैव यू एवर सीन कॉर्न पॉप इन साइड अ पॉपकॉर्न मशीन? क्या आपने कभी कॉर्न को देखा है पॉप होते हुए पॉपकॉर्न की मशीन में? कॉर्न्स क्या होते हैं? मक्की के दाने. ठीक है, पॉप मीन्स उछलना. आगे देखिए, व्हाट डज द मशीन डू टू द कॉर्न? मशीन क्या करती है कॉर्न के साथ? द मशीन हीट्स द कॉर्न एंड मेक्स पॉपकॉर्न. मशीन जो है वो हीट मीन्स गर्म. मशीन जो है वो कॉर्न्स को गर्म करती है और इसको पॉपकॉर्न बनाती है. तो चलिए आगे डायग्राम के मेथड से समझते हैं इसे. फर्स्ट देखिए, कॉर्न इज पुट इनटू द मशीन सो इट इज़ द इनपुट. अब देखिए, यहाँ पर बाउल में हमें कॉर्न दिया गया है, तो ये क्या चीज़ है? इनपुट. इसको हमें मशीन के अंदर डालना है. द मशीन हीट्स अप द कॉर्न एंड दे स्टार्ट पॉपिंग. हीटिंग इज द प्रोसेस. अब हमने क्या किया, कॉर्न्स को मशीन के अंदर डाला, तो अब ये क्या हो रहा है? हीटिंग. हीटिंग मीन्स ये गर्म हो रहा है, तो अभी एक प्रोसेस चल रही है. प्रोसेस मीन्स कोई काम होना, कोई क्रिया चलना. ठीक है, पहले हमारे पास इनपुट था, इनपुट के बाद अब प्रोसेसिंग हो रही है, अब क्या होगा? आउटपुट. फाइनली वी गेट यम्मी पॉपकॉर्न फ्रॉम द मशीन, हेयर पॉपकॉर्न इज़ द आउटपुट. लास्ट में क्या हुआ, हमें बहुत ही यम्मी पॉपकॉर्न मिले खाने के लिए, और ये पॉपकॉर्न क्या है? आउटपुट. देखिए, इनपुट क्या था हमारे पास? कॉर्न्स थे. कॉर्न को हमने मशीन में डाला, प्रोसेस हुआ मीन्स हीटिंग हुई, गर्म होकर ये क्या बन गए? पॉपकॉर्न. अब पॉपकॉर्न जो है वो आउटपुट है. दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज द इनपुट प्रोसेस, आउटपुट साइकिल और IPO साइकिल. तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो सारी क्रिया है, ये जो सारा काम हुआ है यहाँ पर कॉर्न को पॉपकॉर्न तक चेंज करने में, उस चीज़ को हमने क्या कहा यहाँ पर? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IPO साइकिल. नेक्स्ट पेज पर देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल. लुक एट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. अब देखिए, यहाँ पर हमें इनपुट में ऑरेंजेस दिए गए हैं. सेकेंड में हमें देखिए, सेकेंड क्या है? प्रोसेस है. प्रोसेस में क्या हो रहा है? स्क्वीजिंग. स्क्वीजिंग मीन्स निचोड़ना. अब हमने ऑरेंजेस को निचोड़ा और उसका आउटपुट क्या निकला? जूस. ठीक है, अब देखिए, इसमें तीन काम हैं. एक है ऑरेंज, ऑरेंज को हमने स्क्वीज किया, स्क्वीजिंग के बाद क्या हुआ? इसका जूस निकला, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं. जो रिजल्ट हमें लास्ट में मिलता है, उसको हम आउटपुट बोल रहे हैं यहाँ पर. आगे देखिए, थर्ड एग्जाम्पल. डर्टी क्लोथ्स, वॉशिंग पाउडर एंड वाटर. ये है इनपुट. इनपुट मीन्स हमें इनको मशीन में डालना है. प्रोसेस मशीन में आगे ये जो घूम रहे हैं, ये जो वॉशिंग हो रही है, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं. वॉशिंग के बाद जो हमारे क्लोथ्स हैं वो ड्राई हुए हैं और क्लीन हुए हैं, वो क्या हो गया? आउटपुट. स्टूडेंट्स आगे देखिए, क्लास एक्टिविटी. फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. वीट, हीटिंग, टोस्ट, डर्टी वाटर. अब हमें इनपुट दिया है, सेकंड में प्रोसेस है, थर्ड में आउटपुट है. इनपुट में है ब्रेड, प्रोसेस हो रहा है इसका टोस्टिंग, और इसका क्या बन गया आउटपुट? टोस्ट. इनपुट में डैश दिया है हमें, प्रोसेस में है फिल्टरिंग, और आउटपुट में है क्लीन वाटर. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? डर्टी वाटर. आगे देखिए, कोल्ड वाटर डैश हॉट वाटर. हीटिंग, पहले पानी ठंडा था, उसको गर्म किया तो वो हॉट वाटर बन गया. डैश ग्राइंडिंग फ्लोर. फ्लोर मीन्स आटा. आटा किससे बनता है? वीट से. वीट को आटा बनने की जो बीच की क्रिया है, उसे क्या बोला है हमने यहाँ पर? ग्राइंडिंग, किसी चीज़ को ग्राइंड करना, पीसना. आगे देखिए, पेज नंबर 23. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन. जो वो एक मशीन है. लाइक ऑल अदर मशीन्स, जैसे कि और मशीन्स होती हैं उन्हीं की तरह. इट ऑल्सो फॉलोज द इनपुट. यह भी इनपुट को फॉलो करता है. प्रोसेस आउटपुट साइकिल. लेट अस लर्न हाउ एन IPO साइकिल वर्क. तो जानते हैं, अब तक हमने जो दूसरी मशीन्स थी उनके ज़रिए जाना आउटपुट और इनपुट के बारे में. अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर में IPO का क्या वर्क है.
मीशा वांट्स टू ऐड 25 and 32। मीशा नाम की एक लड़की है, वो टू डिजिट्स को प्लस करना चाहती है 25 and 32। शी ओपन्स द कैलकुलेटर ऑन हर कंप्यूटर। वो अपने कंप्यूटर पर क्या करती है, कैलकुलेटर को ओपन करती है एंड क्लिक्स ऑन द बटन 25 plus 32, और क्लिक करती है टू बटन्स पर 25 plus 32 इज इक्वल टू। हेयर डाटा, डाटा क्या है हमारा 25 and 32, एंड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मीन्स हमें उसका क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लस करना है। एक्ट एज इनपुट, अब जो हमारा कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही इनको इनका आउटपुट देगा। वी गिव इनपुट यूजिंग द कीबोर्ड और द माउस। हम इनपुट किसके ज़रिए देते हैं, कीबोर्ड और माउस के ज़रिए। द CPU ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन। जो CPU है कंप्यूटर का वो कैसे काम करता है, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, हम करते हैं किसी आइकन पर क्लिक, वहाँ पर हमें प्लस करना है, किसी डिजिट को माइनस करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंप्यूटर काम करता है। दिस वर्क इज़ नोन एज द प्रोसेस, और ये जो काम करने की प्रक्रिया है, काम करने की जो उनका प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। द कंप्यूटर फाइनली गिव्स द सम एज, जो कंप्यूटर है वो अब हमें क्या फाइनल आंसर देगा, 57, और जो 57 है वो क्या है, आउटपुट। द फाइनल इन्फॉर्मेशन इज द आउटपुट, द मोनीटर शोज द आउटपुट। तो हमें मोनीटर पर अब क्या शो होगा, आउटपुट, और आउटपुट क्या है, 57। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो डेली वर्क हम करते हैं उसमें और जो कंप्यूटर पे हम काम करते हैं उसमें, इन दोनों के इनपुट और आउटपुट में हमें यहाँ पर डिफरेंस बताया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और जो दूसरी मशीन्स है जैसे पॉपकॉर्न की मशीन्स और ये वॉशिंग मशीन।